हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 34 क्लास 9th सोशल साइंस की बच्चों की वर्कशीट है, जो आपके लिए 18 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम हमारा जो चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, पीपल एज अ रिसोर्सेज, सेकेंड चैप्टर आपका, उसका सेकेंड पार्ट इस वर्कशीट में हम डिस्कस करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। द वेरियस एक्टिविटीज़ हैव बीन क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन सेक्टर्स, दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज यानी जो भी हमारी चारों तरफ चीज़ें हैं वो सभी हमारे लिए क्या हैं, ऑल थिंग्स आर द रिसोर्सेज। नाउ अब अगर हम बात करें ह्यूमन रिसोर्सेज की, तो हमने पढ़ा था जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो सभी जो रिसोर्सेज हैं उन सब से ऊपर है, सुपीरियर है। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वही अपने नॉलेज, अपने स्किल की कारण जो है, जो बाकी रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ कर पाएगा अपनी नीड के अकॉर्डिंग। सो द ह्यूमन रिसोर्सेज दे आर सुपीरियर देन एनी अदर टाइप ऑफ रिसोर्सेज। नाउ द वेरियस एक्टिविटीज़ they have been classified into three main sectors. What are these? Primary sector, secondary sector and tertiary sector. If you talk about the primary sector which are directly related to land as well as water related activities, यानी जो डायरेक्ट जो है एक तरह से आप कह सकते हो नेचुरल चीज़ों से जुड़ी हुई हैं, उनका यूज़ करके हम अपनी एक आप कह सकते हो कि उनका यूज़ हम कर रहे हैं अपनी नीड के लिए, दैट आर द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स लाइक एग्रीकल्चर, लाइक फॉरेस्ट्री, लाइक एनिमल हस्बेंड्री, लाइक फिशिंग, लाइक पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? दीज ऑल आर द प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, अब अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्टर की, तो वो सेक्टर जो प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंड हैं वो सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर में आएंगे। जैसे अगर हम बात करें कि एक क्लोथ की इंडस्ट्री है, ठीक है, क्लोथ जो है बनता है, अब वो कपड़ा कहाँ कब बनेगा, कैसे बनेगा, उसके लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए। वो रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? वो रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से मिलेगा, यानी प्राइमरी जो सेक्टर है कहीं ना कहीं वहाँ से उसको रॉ मटेरियल मिलेगा, तब जाके सेकेंडरी सेक्टर का काम चलेगा। क्लियर हो गया? यानी जो सेकेंडरी सेक्टर हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसके ऊपर डिपेंड हैं? दे आर टोटली डिपेंड ऑन द प्राइमरी सेक्टर। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इज़ इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर। जो मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो किसी भी टाइप की मैन्युफैक्चरिंग है, ऑल आर इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल मिल गया, ठीक है, कपड़ा बन गया। अब उस कपड़े को केवल कपड़ा बना के उसको एक जगह पे तो नहीं रखना, उसको उसकी मार्केटिंग करनी है, उसको बेचना है, उससे जो पैसा आएगा उसका मैनेजमेंट करना है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ज़रूरत पड़ी है टर्शरी सेक्टर की, किसी की सेवा की, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ी है उसको, माल को इधर से उधर ले जाने के लिए, ठीक है, बैंक की ज़रूरत पड़ी है पैसे का मैनेजमेंट करने के लिए, बात करने के लिए किसी से, कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ी है, उसके लिए आपको एजुकेशन भी चाहिए। ठीक है, तो ये जो सारी सेवाएं हैं, जो सर्विसेज हैं, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन द टर्शरी सेक्टर, लाइक ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन द टर्शरी सेक्टर। ठीक हो गया, प्राइमरी जो बेसिक है हमारा, ठीक है, लाइक एग्रीकल्चर, सेकेंडरी जो उसके ऊपर डिपेंड है, टर्शरी जो सर्विसेज हैं। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट दिस डायग्राम, अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये कौन सा सेक्टर है? दिस इज़ प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ये आपका क्वेश्चन भी है। ठीक है, सेकेंड देखिए, ये इंडस्ट्रीज़ हैं, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर, एंड दीज ट्रांसपोर्ट आर इंक्लूडेड इन द टर्शरी सेक्टर। नाउ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, दैट इज़ प्राइमरी सेक्टर डायरेक्टली फ्रॉम लैंड एंड वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज़, सेकेंडरी सेक्टर लाइक एक्सकेवेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, और थर्ड सेक्टर रिलेटेड है सर्विसेज से। अब हम बात करते हैं दीज एक्टिविटीज़ एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। ये जो सेक्टर हैं तीनों, ये जो नेशन है, जो देश है, उसकी जो इकोनॉमी है, उसकी जो इनकम है, उसको इंक्रीज़ करते हैं।
ठीक है, अगर जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर से सर्विसेज से वो ज़्यादा होगा तो देश की जो जीडीपी है, जीडीपी ठीक है वो क्या होगी, वो ग्रो करेगी। और जीडीपी क्या है, वही देश की एक तरह से इनकम है। क्लियर। सो जीडीपी इंक्रीज करेगी यानी जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज कर रही है। नाउ दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब ये जो एक्टिविटीज़ हैं जिनसे हमें पैसा मिलता है, जिनसे हमारी इनकम होती है, वो जो एक्टिविटीज़ होती हैं दे आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होंगी, जिनसे हमारी इनकम नहीं होती है, उनको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहेंगे। एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, मुझे इनकम मिलती है, मुझे सैलरी मिलती है, दैट इज़ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। लेकिन अगर मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँगी घर पे, मुझे सैलरी नहीं मिलेगी, कोई पैसा नहीं मिलेगा, वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी रहेगी। ठीक है। नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दे हैव टू पार्ट्स। अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी हैं उसके भी टू पार्ट्स हैं, एक तो होता है मार्केट एक्टिविटीज़ और एक होता है नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। नाम से ही क्लियर है, मार्केट एक्टिविटीज़ यानी ऐसी एक्टिविटी जिनको मार्केट में बेचना है, ठीक है, जो प्रोडक्ट होगा उसको मार्केट में बेचना है। नॉन मार्केट की जो प्रोडक्ट होगा उसको मार्केट में नहीं बेचना है। नहीं बेचेंगे तो क्या करेंगे, नहीं बेचेंगे तो अपने लिए यूज़ करेंगे, बस हो गया, ठीक है ना। तो जो मार्केट एक्टिविटीज़ हैं दिस इन्वॉल्व रिम्यूनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म, ठीक है। तो जो मार्केट एक्टिविटीज़ हैं इसमें क्या होता है, इसमें एक तरह से प्रॉफिट के लिए चीज़ों को सेल किया जाता है। क्लियर। एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में जो भी प्रोडक्शन होता है वो सेल्फ कंजप्शन के लिए होता है, अपने यूज़ करने के लिए होता है। जैसे एक किसान है, ठीक है, उसके भाई एक बड़ा किसान है, बड़ा ज़मींदार है, ठीक है, अब वो बहुत सारा गेहूं उगाता है, अब वो सारा गेहूं अपने यूज़ के लिए नहीं रख सकता, तो वो क्या करेगा, उस गेहूं को मार्केट में जाके बेचेगा। तो ये कैसी एक्टिविटी हो गई, ये एक मार्केट एक्टिविटी हो गई। लेकिन अब एक छोटा सा किसान है, उसके पास थोड़ी सी ज़मीन है और उसमें जो गेहूँ उगाया उसने वो बस उतना ही है कि वो अपने जो है साल भर अपने परिवार के साथ उसमें गुजारा कर सके, अब वो उसको बेचेगा नहीं, ठीक है, तो वो क्या हो गई, वो नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी हो गई। अब देखिए हैं तो दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, चाहे वो मार्केट की है चाहे वो नॉन मार्केट की है। अगर छोटा किसान उस गेहूं को बेचता तो उसको इनकम होती ना, नहीं बेचा वो चीज़ अलग है, बेचता तो इनकम होती, तो यानी एक्टिविटी तो इकोनॉमिक है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि मार्केट की है या नॉन मार्केट की है। नाउ दीज कैन बी कंजप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड असेट, यानी अपने यूज़ के लिए वो कोई प्लॉट खरीद सकते हैं, कोई जो है मकान खरीदते हैं, तो ये फिक्स्ड असेट होती हैं, एक तरह की जो आप कह सकते हैं ना अचल संपत्तियाँ, ठीक है ना, तो उस तरह की चीज़ें जो हैं वो अपने लिए खरीद सकते हैं। तो ये आपकी जो है क्या रहेगी, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ रहेंगी। अब आपको यहाँ पर बहुत ही सिंपल से 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच 3 मेजर सेक्टर्स आर द एक्टिविटीज़ ऑफ द इकोनॉमी क्लासिफाइड, ठीक है, 3 मेजर सेक्टर कौन से हैं। तो फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर, एक्शन डायरेक्टली कनेक्टेड विद लैंड एंड वाटर, ये क्या है, प्राइमरी सेक्टर में आएगा। सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ जो है किस में आएंगी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर। एंड टर्शरी सेक्टर आएंगी जो है वो क्या होंगी, सर्विसेज होंगी, ठीक है, लाइक बैंकिंग, ओके, आप टर्शरी सेक्टर उसके बाद ऐसे जो है हाइफन लगा दीजिएगा जिसमें हमें रहेगा सर्विसेज होती हैं, उसके बाद आप लिख दीजिए बैंकिंग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट एनी 4 एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर के आपको 4 एग्जांपल लिखने हैं। फर्स्ट एग्जांपल है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंड टेक्सटाइल प्रोडक्शन कपड़ा जो होता है, थर्ड है मेटल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, फोर्थ है कंस्ट्रक्शन। तो ये चारों जो है सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ रहेंगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होंगी, सच एक्टिविटीज़ फ्रॉम विच अ पर्सन गेट्स इनकम आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जिनसे किसी भी पर्सन को क्या होंगी, इनकम होगी, दैट विल बी द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, हॉस्पिटल, बैंक एट्सेट्रा, ठीक है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाएंगी।
अब बात करते हैं नंबर फोर, आइडेंटिफाई द थ्री मेजर सेक्टर इन द अबो फिगर। तो मैंने आपको बताया था कि ये डायग्राम आपको जो है क्वेश्चन में दिया गया है। तो फर्स्ट उसमें एग्रीकल्चर दिखाया गया था, तो वो क्या है, प्राइमरी सेक्टर। सेकेंड उसमें इंडस्ट्रीज दिखाई गई हैं, दैट विल बी द सेकेंडरी सेक्टर। थर्ड उसमें जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिखाया गया है, दैट विल बी द टर्शियरी सेक्टर। ये आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव है, हाउ आर मार्केट एक्टिविटीज एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इवन दो दे आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये दोनों जो है क्या हैं, अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। तो मैंने आपको समझाया कैसे हैं, मार्केट एक्टिविटीज़ इंक्लूड सच एक्टिविटीज़ विच आर डन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिंग इन द मार्केट विच इज़ एम्ड एट मेकिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो जो मार्केट एक्टिविटीज़ होती हैं उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रॉफिट कमाया जाएगा मार्केट में उनको बेच के। जबकि नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ दे इंक्लूड एक्टिविटीज़ दैट आर प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजप्शन, अपने लिए जिनका यूज़ करने के लिए किया जाए। द पर्पज ऑफ दिस एक्टिविटी इज़ नॉट टू ब्रिंग प्रॉफिट, इसमें जो है कोई प्रॉफिट का एम नहीं होता, उसको केवल अपने लिए यूज़ करना है, तो वो जो है क्या होती है, नॉन मार्केट एक्टिविटी होती है। बट दोनों ही जो है क्या हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।